एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो मैंने स्टार्ट किया है, मेरे सारे ही वीडियो बहुत लेट हो जाते हैं आने में, और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ अभी जाने की शादी में। आज हमें शादी में जाना, मेरी बुआ जी की लड़के की शादी है, तो उसी के लिए मैंने सबसे पहले अपनी जो कुर्तियाँ हैं उन पर सिलाई लगाई है। अभी जो है प्रेस करके इन्हीं सभी कपड़ों को मुझे बैग में रखना है। सिलाई मैं कोई भी जब भी रेडीमेड कपड़ा जो है वो यूज़ करती हूँ उस पे सारे पे पहले सिलाई लगा लेती हूँ, क्योंकि रेडीमेड कपड़ों पर हमेशा कच्ची ही सिलाई होकर के आती है। तो एक बार आप अपने घर सिलाई लगा ले तो वो पक्का हो जाता है फिर। तो ये वाली कुर्ती है जिसको मैं आप लोगों को बहुत जल्दी दिखाने वाली हूँ, बहुत प्यारी सी बहुत सुंदर कुर्ती है। तो अभी मुझे बैग लगाना है, अपने कपड़ों पर प्रेस करनी है, मंटू के कपड़ों पर प्रेस करनी है। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरी यहाँ पर बहुत तैयारी चल रही है, कपड़े वपड़े पैकिंग कर रही हूँ। सारे कपड़े जो यहाँ रखे हुए हैं, कुछ कपड़े बैग में रख लिए हैं मैंने, फिर मेरे याद आया कि चलो वीडियो भी बना लेती हूँ। और मैं अभी ना अपने मंगलसूत्र की चैन ढूँढ रही थी, वो लंबे वाली थी मेरे पास में, पर फिलहाल पता नहीं कहाँ तो रख दी और कहाँ नहीं, वो मुझे ढूंढनी पड़ेगी कि कहाँ रखी हुई है। और अभी मैं आप लोगों को जो उस दिन शॉपिंग करके लाई थी, बच्चों के कपड़े लेकर के आई थी, वो चीज़ दिखा देती हूँ, क्योंकि फिर मैं नहीं दिखा पाऊँगी। तो मैंने सोचा सबसे पहले तो आप लोगों को जो है वो मैं मांटू का जो फ्रॉक है वो मैं आपको खोल करके नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मांटू बोल रही है कि मैं जिस दिन पहनूंगी उस दिन मम्मी जो है इसको अच्छे से दिखाना। तो ये तो फ्रॉक है मांटू का जो कि मैं उस दिन लेकर के आई हूँ, बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है, मतलब मुझे बहुत पसंद आया एक ही नज़र में बहुत ज़्यादा। और ये वाले सैंडल हैं मांटू के, जो कि मैं उसकी थोड़ा सा मैंने जो है ड्रेस के साथ में सोचा था मैच हो जाए, पर ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ हो रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये सैंडल है, मैं अपने नहीं लेकर के आई हूँ, क्योंकि मेरे पास में चप्पल हैं तो इसीलिए नहीं लाई हूँ। और मैं अपनी चूड़ी वूड़ी वो तो सारी चीज़ें मैं पहनूंगी, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और लेकर के आई थी मैं क्या, हाँ एक मांटू का टॉप लाई हूँ, ये वाला टॉप जो वो अभी पहन करके जाएगी, तो एक ये वाला टॉप है, अच्छा लग रहा था क्योंकि मैंने सोचा सिंपल सा। अभी मुझे उसकी जो नाइट ड्रेस है उस पर प्रेस भी करनी है। और ये वाले कपड़े मैं लाई हूँ उनके बच्चों के, अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मतलब कि जो मेरे देवर के बेटा हैं बेटी हैं दोनों के लिए जो है कपड़े और उनके चप्पल लेकर के आई हूँ। ये तो जो है ये बेटी की चप्पल है, यानी कि जो अरु है उसकी चप्पल है, मतलब मुझे बहुत ही सुंदर लगी तो मैं ये वाली लेकर के आ गई। आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है। और इस पर इस तरीके का ना वो लगा हुआ है। अभी और ये है सैंडल छोटे बाबू के, जो कि बेटा है, ये उसके सैंडल हैं। तो छोटे छोटे से मैंने कहा गर्मी आ गई है तो उसी के हिसाब से ले लेते हैं। और ये हैं कपड़े, ये तो ऊपर जैकेट वाले हैं, ऊपर ये जैकेट है और नीचे जो है वो टी शर्ट है, इस तरीके की जीन्स के उसमें है, पर सॉफ्ट है, ऐसा नहीं है कि हार्ड है बिल्कुल, तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं। और ये है नीचे निक्कर, इस तरीके का जीन्स का ही। तो ये तो हो गए बाबू के, और ये हो गए बिटिया रानी के, क्योंकि मांटू बोल रही थी मम्मी जिस कलर की मेरी ड्रेस ली है उसी कलर के लेना। तो ये हैं गुड़िया रानी के, ये टॉप है इस तरीके का, जब वो पहनेगी शादी वाले दिन आप लोगों को उसी दिन समझ में आएगा अच्छे से कि किस तरीके का है ये। यहाँ से मतलब क्रॉप टॉप बोलते हैं क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो ये है, और ये नीचे स्कर्ट है इस तरीके की, ये स्कर्ट है। तो ये हो गए उनके दोनों के कपड़े, दोनों के सैंडल। और जो है
मैं अपनी चूड़ी वूड़ी आप लोगों को वहीं पहनूंगी, तब दिखाऊंगी। और जो जैसे कि मैं बुआ जी की लड़की की शादी है उसके लिए जो भी लिया है वो मैं नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि अभी मैंने मम्मी को वहाँ यहाँ से लेके जाना है, मम्मी को दिखाना है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो वीडियो में हम एक एक चीज़ करके दिखाएं कि ये हम उनको दे रहे हैं, उनको दे रहे हैं। और ये भी जो मैंने बच्चों के कपड़े आप लोगों को दिखाए हैं, ये सिर्फ एक रीज़न है इसके पीछे। मतलब कुछ लोगों ने मजबूर कर दिया इन सब चीज़ों के कि जो भी करो उसको दिखाओ, अगर नहीं दिखाते हैं तो आप कुछ नहीं करते हो। वैसे तो मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं किसी के लिए कुछ करती हूँ या नहीं करती हूँ। मुझे पता होना चाहिए, मेरे परिवार वालों को पता होना चाहिए कि मैं किसी के लिए कुछ करती हूँ या नहीं। पर कुछ लोग हैं ऐसे जिनको दिखाना ज़रूरी लगता है मुझे। तो ये आज पहली बार मैंने ऐसा किया है जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि मैं उनके लिए कुछ दे रही हूँ तो मैं उस चीज़ को दिखाऊँ। पर जो भी है, हर चीज़ करनी पड़ती है लाइफ में। तो ये वाले कपड़े हो गए, अभी मैं इनको जो है वो बैग में लगा देती हूँ। आप लोगों को दिखाने थे इस वजह से इनको अभी मैं बैग में नहीं रख पाई थी, तो फिलहाल इनको रख देती हूँ और जो कपड़े भी प्रेस करने के रह गए हैं उनको प्रेस कर लेती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर कर रही हूँ स्क्रब। मैं नहीं गई थी पहले, मैं सोची थी कि पार्लर चली जाऊँगी फेशियल वेशियल कराने, पर इतना मेरा जो है वो फेस ख़राब नहीं हो रहा था तो मैंने घर पर ही जो मेरे पास में स्क्रब है अच्छे से स्क्रब कर लिया और होममेड ही फेस पैक मैंने लगाया। मैंने कहा चलो घर का ही जुगाड़ू काम करते हैं। तो अभी मैंने लगा लिया है फेस पैक भी, पहले स्क्रब कर लिया और उसके बाद में जो है वो फेस पैक लगा लिया। इसको मैं कम से कम 10 मिनट के लिए तो रखूँगी, 10-15 मिनट रखूँगी, फिर इसको अच्छे से चेहरे पर ही मसाज करके जो है अपना चेहरा हम धुल लेंगे। तो ये इतने में ही ठीक हो जाएगा। फेशियल के हमने 500-600 रुपये जो है वो घर में ही बचा दिए, क्योंकि इतना ख़राब फेस हो भी नहीं रहा था कि मुझे फेशियल की ज़रूरत पड़े। और नेचुरल है, होममेड है, तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा चेहरे पर। तो गाइज मैं हो गई हूँ अभी तैयार बिल्कुल, और बैग भी जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है, सारा सामान मैंने इसमें रख लिया है। और जब कहीं को जाते हैं ना तो पूरा घर बहुत बुरी तरीके से जो है वो फैल जाता है, कितनी भी कोशिश कर लो हर सामान को संगवाने की, पर थोड़ा बहुत हो ही जाता है। तो मैंने मंगलसूत्र पहन लिया है अपना बड़ा, इसमें चैन डाल करके, और यही वाला जो मैंने आप लोगों को चूड़ा दिखाया था वो एक हाथ में डाला है, और एक हाथ में मैंने अपनी वही वाली जो घड़ी है वो पहन ली है। नेल पेंट नहीं लगाया है क्योंकि इतना टाइम ही नहीं लग पाया फिर मुझे, और मेकअप मैंने जरा सा भी चेहरे पर कुछ भी नहीं लगाया है, जो बस स्क्रब किया फेस पैक लगाया बस उतना ही है। लाइनर, मस्कारा और लिपस्टिक, बिंदी और सिंदूर, और मतलब इसके अलावा मैंने फेस पर कुछ भी नहीं लगाया। तो ये नेचुरल ग्लो आया है मतलब घर पर ही फेस पैक करने से। एक दो चीज़ें रह गई हैं, मैंने ना कानों के ऑर्डर किए हुए थे, और देखिए मेरी किस्मत मान लीजिए, लक मान लीजिए, ये आज ही मुझे रिसीव हो गए, तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की। तो ये रहे कानों के, इनको भी रख लेते हैं। एक दो चीज़ें रह गई हैं बस, पूरा मेकअप का जो बॉक्स है वो हमारा ये वाला है। बेटा बंद कर दो, कर दे। मांटू बेटा नु तोड़ ना दिए, टूट गया तो दिक्कत हो जाएगी बेटा, कर दे बेबी बंद। आरो बंद है ना,
एक मिनट तो अभी हम घर पहुंच गए हैं और यहाँ पर जो है मैं कर रही हूँ अभी कपड़े चेंज करने के लिए आई थी क्योंकि साड़ी में बहुत उलझन हो रही थी, तो मैंने कहा चलो कपड़े चेंज कर लेते हैं और जो मैंने साड़ी निकाली उसको तह लगा करके बैग में रख दूँगी। और पहले मैं घर ही आई थी, फिर उधर गई, फिर वापस आई कपड़े चेंज करने के लिए। तो अभी हम जैसे यहाँ पर आए तो मम्मी यहाँ हमारे लिए बना रही थी, चाय बनाई है तो पी करके तभी जाएंगे। और क्योंकि मम्मी भी नहीं गई थी, इंतज़ार कर रही थी कि जब हम लोग आएंगे हमारे साथ में ही चलेंगी। तो बस यहाँ पर हम सब लोग बैठ करके बातचीत कर रहे हैं अभी। तो अभी हम घर आए थे, कपड़े वपड़े चेंज किए हैं आके। फ़ोन का कैमरा कैसा हो रहा है? और उधर अपना खाना पीना खा करके हम आ गए। तो अभी मम्मी जाएगी साथ में ही, क्योंकि मम्मी को इधर का भी आ करके सारा कपड़े वपड़े, क्योंकि जब मेहमान आते हैं तो कुछ इधर भी आएंगे कुछ उधर भी आएंगे, तो वही है। और अभी मैंने सिर्फ ये कुर्ती चेंज करने आए थे क्योंकि साड़ी में दिक्कत होती है, तो साड़ी हमने जो है निकाल दी। मेहंदी वहंदी लगाऊंगी अभी जा करके, बोल के आई हूँ। भांजी है मेरी जो बुआ जी की लड़की है बड़ी, उनकी बेटी है, उसको बोल के उन्होंने ये मेरे एक हाथ पे लगा देना बस, तो एक हाथ पे लगवाऊंगी जा करके मेहंदी। तो चलो जी चलते हैं अभी। हैं तो गाइस रात तो मैं वीडियो का एंड नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा चलिए घर जा करके, और सुबह में क्योंकि रात बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया था फिर, तो उसके बाद ना ही मैंने आप लोगों से बातचीत की। कल मैंने अपना चेहरा भी नहीं धुला आ करके, इतने मतलब ज़्यादा हो गए, हम बहुत ही ज़्यादा जो है लेट आए थे और काफ़ी लेट हो गया था, तो फिर मतलब चेहरा भी नहीं धुल पाई थी। अभी जो है घर आई हूँ यहाँ पे, अभी मांटू को मैंने नहला करके भेज दिया, अभी वैसे ही कपड़े पहनाए हैं, फ्रॉक नहीं पहनाए क्योंकि उसमें परेशान हो जाएगी फिर, तो वही सिंपल से उसको टी शर्ट पहना दी है, वो चली गई नहा के। मैं भी अब नहाऊँगी, सिर धुलूँगी, और अभी दो साड़ी का मैंने जो है अपना वो रखा है, दो साड़ी मैं पहनूँगी, देखती हूँ पहनी जाएगी या नहीं। सोच के तो यही आए हैं कि हाँ दो तो चेंज कर ही लेंगे, सोचते हैं, पर जब कोई मेहमान आने लगता है फिर खुद तैयार होने का वो नहीं मिलता मतलब टाइम। और अभी सबसे पहले तो मैं कौन से वाली साड़ी पहनूंगी, आप लोग गैस कीजिए कौन से वाली पहनूंगी। ये लाइनर नहीं हटा आंखों से अभी। हाँ मम्मी आ ली। अभी मैं सबसे पहले सर धुल के आती हूँ।